शारदा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करती थी। वो पुलिस की गाड़ी में एक दिन शहर के बीचों बीच आई और माइक लेके कहने लगी, आप सभी के साथ न्याय हो, इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं, अगर आप किसी को देखते हैं धोखा करते हुए, मिलावट करते हुए या फिर कोई छोटी सी भी गलती करे, तो आप हमारे थाने में आके हमें सूचित करें। जो भी शिकायत करेगा उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसका भरोसा हम देते हैं। इस तरह से कृपया पुलिस की मदद करें और पुलिस को अपना पूरा सहयोग दे। इस तरह से अनाउंस किया, फिर अपनी गाड़ी में बैठ के वो पुलिस स्टेशन वापस चली गई। उसी शहर में 25 साल की अनामिका नाम की एक लड़की, जिसके माता पिता नहीं थे, वो वहीं पे एक छोटे से घर में रहती थी और समोसा बेचकर अपना जीवन गुजारा कर रही थी। बचपन से ही अनामिका माँ लक्ष्मी देवी को बहुत भरोसा करती थी और उनकी पूजा करती थी, ऐसा कि माँ लक्ष्मी भी अनामिका को अपनी बेटी के तरह मानती थी। हर रात वो अनामिका के साथ बातें भी किया करती थी, ताकि अनामिका पे किसी तरह की बुरी नजर ना पड़े। वो अनामिका के सो जाने के बाद पहरेदार के तरह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। दूसरी तरफ एक दिन बिजनेस मीटिंग की वजह से रमेश ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। वो खाने के लिए घर जाने का सोचता है और गाड़ी में जाकर बैठता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता है, उसे समोसे की खुशबू आने लगती है। समोसे का ठेला देखकर वो अपनी गाड़ी जाके वहीं रोकता है। बताइए सर, आपको क्या चाहिए? दो समोसे देना। उसके कहने पे अनामिका दो समोसा उसे दे देती है। इस तरह से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाता है और फिर प्यार शादी में तब्दील हो जाती है। दोनों शादी करते हैं। फिर रमेश अनामिका को अपने घर ले जाता है। बेटा रमेश, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? माँ, मैंने पूरे होश में ये काम किया है। इसका नाम अनामिका है, ये लड़की अनाथ है। सड़क किनारे समोसे बेचकर ये अपनी जिंदगी चला रही थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने शादी कर ली। वैसे भी मैं जानता था तुम ना नहीं कहोगी। उधर तुम्हारी माँ अपने सीनियर इंस्पेक्टर की बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी, और इधर तुम बिना कुछ कहे हुए शादी करके घर ले आए। ये सही नहीं किया। ऐसा क्या गलती हो गई कि मैंने आपसे कुछ कहा नहीं? मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरह से वो अपनी माँ से माफी मांगने लगा। शारदा तब जाके थोड़ी शांत हुई। अगले दिन रमेश सोफे पे बैठ के अपने कुछ फाइल्स देख रहा था। उधर शारदा ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रही थी और प्रशांत टीवी देख रहे थे। अजी, मैं हमेशा की तरह समोसा बेचने जाया करूंगी। वैसे भी घर का सारा कामकाज के बाद मैं खाली ही रहती हूँ। माँ, तुमने सुना बहू ने क्या कहा? क्या कहती हो? करने दो बेटा, बहू को जब इच्छा है तो फिर उसे क्यों रोकना। शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका पहले जैसा समोसे बेचने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर रमेश और अनामिका की भाव्या नाम की एक बेटी होती है। अब भाव्या 6 साल की हो चुकी थी। फिर ऑफिस के काम के सिलसिले से 15 दिनों के लिए रमेश बाहर गया हुआ था। तभी अचानक से भाव्या को दिल में बहुत दर्द शुरू होता है। अनामिका जल्दी से उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कृष्णा भाव्या की जांच करके रिपोर्ट देखकर कहते हैं, देखिए, बच्चे के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना होगा। अच्छा खर्चा होगा, जितनी देर करेंगे बच्चे के जान को उतना खतरा हो सकता है, इसीलिए जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर ले उतना बेहतर होगा। उनके बताने के बाद अनामिका रोते रोते शारदा के पास आके उन्हें पूरी बात बताती है। कुछ करेंगे, इस तरह से शारदा उसे हिम्मत रखने को कहती है। तभी एक दिन एक चोर पैसा चोरी करके पैसों का थैला अनामिका के ठेले पे रख के पुलिस के नजरों से भाग जाता है। अगले दिन अनामिका अपने ठेले के पास जाती है, उसे वो बैग मिलता है। खोल के देखती है, वो सोने से भरा हुआ था। अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। उधर किसी ने सब इंस्पेक्टर शारदा को चोरी की सूचना दी। सब इंस्पेक्टर शारदा अनामिका के समोसे के ठेले के पास आती है। फिर बैग समेत अनामिका को लेके वो पुलिस स्टेशन चले गई। चूंकि अनामिका ने पहली बार गलती की थी, इसलिए शारदा उसे छोड़ देती है। अनामिका रोते रोते घर आती है, पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। मेरे उच्च अधिकारी लुटेरी बहू है कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक में कह रहे हैं कि जब घर में ही लुटेरी बहू है तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती हूँ। तुम अपनी बेटी को लेकर अभी के अभी निकल जाओ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अनामिका शारदा को बहुत समझाने की कोशिश करने लगी, पर शारदा उसकी एक ना सुनी। अनामिका रोते रोते निकल आई, फिर हमेशा की तरह समोसे बेचने लगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब चूंकि अनामिका के समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए सभी आके अनामिका के पास ही खाने लगे। उसी गली में किशन नाम के एक समोसे के व्यापारी का धंधा बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था।
इसी चक्कर में वो सब इंस्पेक्टर शारदा के पास जाके कंप्लेन करता है कि अनामिका समोसे में मिलावटी करके बेच रही है। ऐसे शारदा आके अनामिका को अरेस्ट कर लेती है। फिर अनामिका परेशान होके कहती है, सासुमा आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रही है? सासुमा कहोगी तो एक थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसा ही शारदा हूँ। मैडम कहो। मैडम आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रही है, मैं कारण जानना चाहती हूँ। मुझे कंप्लेन आया है कि तुम मिलावटी करके यहाँ समोसे बेच रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। जब वो अनामिका से इस तरह से कह रही थी, भाव्या उसे देखकर रोते रोते कहती है, दादी माँ को छोड़ दो। दादी? कौन दादी? मैडम बोलो। मैडम मेरी माँ ने कोई मिलावटी नहीं की है, किसी ने जानबूझ के झूठी कंप्लेन की है, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। बिनती करने के बावजूद वो थोड़ा भी दया की भावना ना रखते हुए भावना को एक लात मारती है और अनामिका को जेल में डाल के उसके साथ बहुत मारपीट करने लगती है। इतनी चोट खाने के बाद अनामिका माँ लक्ष्मी के बारे में सोचती है, माँ लक्ष्मी आपने अपना इतना प्यार मुझे दिया, उसमें से थोड़ा सा प्यार आप मेरी बेटी पे भी निछावर कर दीजिए, मेरी बेटी को दिल में दर्द है, शायद वो रो रही होगी। अनामिका बिनती करती है। उधर घर पे रो रही भाव्या के सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। वो अनामिका का रूप धारण करती है और भाव्या को समझाती है और जाके समोसे बेचने लगती है। किशन जाके शारदा को फिर शिकायत करता है। शारदा आश्चर्य होकर लॉकअप में अनामिका को देखती है। अनामिका को देखकर किशन भी आश्चर्य हो जाता है। शारदा और किशन दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठ के अनामिका के ठेले के पास जाते हैं। वहाँ अनामिका समोसे बेच रही थी। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। लक्ष्मी माँ अनामिका बनके समोसे बेचती है। उससे जो पैसे आते हैं वो भाव्या के ऑपरेशन के लिए काफी थे। वो भावना को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ भावना का दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। फिर माँ लक्ष्मी लॉकअप में बंद अनामिका के सामने आके प्रकट हो जाती है। अनामिका तुम अपनी बेटी के पास जाओ, उसका दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। ऐसा कह के वो अनामिका को लॉकअप से गायब कर देती है। असल अनामिका अपनी बेटी के पास चली जाती है। माता लक्ष्मी को लॉकअप में देख के शारदा अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगती है। फिर बहू अनामिका और पोती भाव्या को वो घर वापस ले जाती है। शारदा घर की मालकिन थी और अनामिका उस घर की नौकरानी थी जो कि उस दिन काम पे नहीं आई थी, इसलिए शारदा उस पे गुस्सा कर रही थी और किचन में खाना पका रही थी। बीमार पड़ के अब उसे क्या मिलेगा, आज काम पे नहीं आई, अब मुझे मरते मरते घर का काम करना होगा, खाना पकाना होगा। जब वो ऐसा कह ही रही थी, शारदा के पति प्रसाद किचन के तरफ आते हैं और देखते हैं कि शारदा खाना पका रही है। अरे शारदा तुम खाना पका रही हो, हमारी नौकरानी अनामिका नहीं आई। आपको स्पेशल चाय बना के देने के लिए मैंने उसे कबर्ड में छुपा रखा है। ये सुन के प्रसाद परेशान हो गए। अरे पागल हो गई हो क्या, उसे कबर्ड में क्यों छुपा रखा है, दम घुट के मर जाएगी, जल्दी अनामिका को कबर्ड से निकालो। मुझे लगा था आप बौने हैं, पर अब लग रहा है आपका दिमाग भी है। ऐसा सुनकर प्रसाद शारदा को और आश्चर्य होके देखने लगते हैं। 6 फीट की अनामिका कबर्ड में कैसे घुस पाएगी, जोक कर रही थी, नहीं समझते क्या? ये सुन के प्रसाद को थोड़ी राहत मिलती है। ये मजाक बहुत डरावना था, आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं कर रही हो शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं किस्मत वाली हूँ कि आप जैसे पति मिले हैं, पत्नी की इतनी तारीफ करते हैं। और अच्छा होता अगर किसी से नकल ना करके तुम अपना कुछ कहती। प्रसाद के इस बात पे शारदा मानो की चटनी की तरह जल गई। शारदा को इस तरह देखकर प्रसाद पेट पकड़ के हंसने लगे। शारदा जब गर्मा गर्म सुगंधित चाय प्रसाद के सामने रखी, तब जाके प्रसाद की हंसी रुकी। गर्मा गर्म चाय देखकर प्रसाद उसे उठा के जैसे ही पीने के लिए जाते हैं, शारदा तुरंत वहाँ से चाय हटा के ले जाती है। ठीक उसी वक्त कॉलिंग बेल बजता है। प्रसाद जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए। सामने खड़ा था रमेश, जिसने उनकी नौकरानी अनामिका को शादी करके घर ले आया। उन दोनों को देखकर प्रसाद आश्चर्य हो जाते हैं। अरे शारदा जल्दी आना चाय के लिए, अब तुम नई नई कहानी बना रहे हो, रुको आती हूँ। ऐसा कहते हुए चाय का कप लेके शारदा अपने पति के पास जाती है। दरवाजे के सामने खड़ा था फूलों का हार पहना हुआ बेटा रमेश और नौकरानी अनामिका। उन दोनों को एक साथ देखकर शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है और चाय का कप हाथ से फिसल के प्रसाद पे गिर जाता है। प्रसाद चाट के चाय का स्वाद लेने लगते हैं। शारदा चाय में चीनी नहीं है। कुछ ही पलों में शारदा खुद को संभालती है। ये सब क्या है,
तुमने अनामिका से शादी कर ली है क्या? माँ, मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं और अनामिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले हमने सोचा था तुमसे ये बात कहेंगे और तुम्हारी आज्ञा लेकर ही हम शादी करेंगे, लेकिन छोड़ो बेटा, अब कुछ मत कहो। वो बात नहीं है माँ। देखो बेटा, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि तुमने शादी कर ली, पर तुमने नौकरानी अनामिका से शादी की है ये परेशानी है। हमारे घर में कई लोग आए दिन आते जाते रहते हैं, सभी लोगों को पता है कि ये कौन है और ये क्या काम करती थी यहाँ पे। अब वो यही कहने लगेंगे कि शारदा का बेटा रमेश को यहाँ पे कोई अच्छा रिश्ता मिला नहीं, इसीलिए आखिरकार वो घर की नौकरानी अनामिका से शादी कर ली ताकि अब शारदा को मुफ्त में नौकरानी मिल जाए। माँ, वो आके हमारे घर आधा दिन रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी है या हम ज्यादा जरूरी है? जब तुम लोग मरोगे तो आंसू बहाने से लेकर अंतिम संस्कार हम ही करेंगे ना, मैं और मेरी पत्नी। तुम लोग जरूरी हो बेटा। फिर मुझे और अनामिका को आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अब चूंकि कोई और चारा नहीं था इसलिए उन्होंने अनामिका को स्वीकार कर लिया। पहले जैसे अनामिका घर का सारा काम करती थी, अभी भी वो सब कुछ करती है, पर अब बहुरानी के तौर पे। एक दिन रमेश ऑफिस के काम से बाहर गया था, तभी शारदा उसे बुलाकर कहती है, देखो अनामिका, मेरे बेटे की नजरों में तुम इस घर की बहू हो, पर हमारी नजरों में तुम अभी भी नौकरानी हो, इसीलिए जैसे हम पहले तुम्हें तनख्वाह देते थे अभी भी हम देंगे। ऐसी बातें सुनके अनामिका दुखी हो जाती है, पर इस बात से वो खुश थी कि कम से कम उन्होंने उस घर में उसे रहने दिया। तभी एक दिन शारदा कहती है, अनामिका, कुएं के बगल में जो हमारा खेत है वहाँ पे हम बैगन का फसल लगाए है, तुम वहाँ से ले आके आज बैगन भरवा बनाओ। ठीक है सासू माँ। मालकिन, ऐसा कह के टोकरी लेके वो बैगन लाने चली जाती है। ताज़ा ताज़ा बैगन खेत से ले आके अनामिका भरा हुआ बैगन की सब्जी बनाती है। पर शारदा और प्रसाद जो बाहर गए हुए थे वो रात के 10 बजे घर लौट आते हैं। अब चूंकि उन दोनों को बहुत भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा था कि पूरी सब्जी वो खा लेंगे। अब जब दोबारा वो चावल लेने गए तो सब्जी देखा, सब्जी नहीं है। ऐसा एक दो बार पहले भी हुआ था। शारदा को अब बड़ा गुस्सा आता है, अनामिका को वो बहुत डांटती है ताकि आइंदा वो ऐसा काम ना करे। अनामिका बहुत परेशान हो जाती है और इस बार वो चाहती है जानना कि आखिर में सब्जी गायब हो कैसे रही है। इसलिए डाइनिंग हॉल की सारी बत्तियां बुता के वो बेडरूम के पास खड़े होकर चुपचाप देखने लगती है। तभी वहाँ तीन मायावी महिलाएं आती है और बैगन की सब्जी वो खाने लगती है। उन्हें देखकर अनामिका उनके पास जाती है उनसे बात करने के लिए। देखो अनामिका, हमें तुम्हारी ये बैगन की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ पे रोज आते हैं तुम्हारी बनाई हुई बैगन की सब्जी खाने। हमारी वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती है, अगर तुम चाहती हो कि हम यहाँ ना आए तो तुम हमारी दुनिया में आके बताओ बैगन कैसे फलते हैं और इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके बदले हम तुम्हें सोना देंगे। ऐसी बात है तो मुझे आपकी दुनिया में ले चलिए, इस तरह से कहती है। फिर बैग में बैगन के पौधे लेती है और उन तीन मायावी महिलाओं के साथ अनामिका उनकी दुनिया में चली जाती है। वहाँ मायावी बैल और हल की मदद से वो खेती करती है और मिट्टी में बैगन के पौधे लगाती है। कुछ ही दिनों में वहाँ बैगन फलने लगते हैं। बड़े चमकदार फसल थे, वो देखकर वो तीन मायावी महिलाएं बहुत खुश होती है। अब मैं आपको सिखाऊंगी बैगन की सब्जी कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। इस तरह से कहकर उसे जो जो जरूरत के मसाले चाहिए था वो सब उनसे मंगवाती है। फिर वो एक एक करके बताती है कि कैसे भरवा बैगन की सब्जी बनाया जाता है। वो तीन मायावी महिलाएं पेट भर के सब्जी को खाती है। वो मायावी महिलाएं इतनी खुश होती है कि घड़ा भर के वो अनामिका को सोना देती है। फिर अनामिका को सोने के भरे हुए उस घड़े के साथ पृथ्वी लोक में लाके छोड़ देती है। अपनी दुनिया में आके अनामिका बहुत खुश होती है। उस सोने से अनामिका खुद के लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है, जमीन खरीदती है और अपने पसंदीदा ढेर सारे जेवर भी खरीदती है और तब से वो अपने घर में महारानी की तरह रहने लगती है।